प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता। बिल्ली में शेर की ताकत आ जाती है। तृण मेर दिखीता, तिनका पर्वत की ताकत पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। साधु की संगत इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। श्रम करते दम आड़ को होते घनी तनीता। आधे टके के लिए मेहनत करने वाले लोग, आधे आधे टके के लिए तरसने वाले लोग, आधी कौड़ी आधी दमड़ी, गरीबी भाव अत का गरीब हो कोई, साधु की संगत हो जाए ते घनी धनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर साधु प्रसन्न हो जाए, संत की संगत करनी आ जाए, एक्चुअली संगत करने का भी ढंग होता है, ये अभी एक पूरा ही अलग प्रकरण है कि साधु की संगत करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और उसमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, साधु की संगत कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये एक एक चीज़ मायने रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अलग प्रकरण गुरु मेहर करे किसी दिन लेंगे, पर बात चल रही है श्रम करते दम आड़ को ते घनी तनीता। मेरी आंखों के सामने इस वक्त इतने उदाहरण आ रहे हैं, इतनी यादें मुझे आ रही हैं कि कितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से, कि जैसे ये समझ लो भीख मांगने की नौबत है और आज आलीशान बंगलों में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ते गनी तनीता, क्यों साधु की संगत सही ढंग से कर ली उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।